हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग एंड कैसी रही आपकी दिवाली, मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो ये सुबह का व्लॉग है जी, दीपावली के बाद का दूसरे दिन का। तो हम लोग उठ के चाय वाय पी और मैं लगी हूँ अपने कामों में। सबसे पहले मैंने मशीन लगाई, कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे धोने वाले, और उसके बाद चप्पल वक्कल इधर उधर बिखर पड़ा था सामान सारा, वो समेटा। और पूजा यहाँ पर किचन में बर्तन साफ़ कर रही थी। उसके बाद जी, जो कल कपड़े वेयर करे थे, कुछ कपड़े थे ड्राई क्लीन के लिए देने थे। ये लहंगा था मैंने जो वेयर करा था, इसको ड्राई क्लीन के लिए देना था। और बहुत सारे कपड़े धोने के लिए हो गए थे, क्योंकि इतने दिनों से हम शॉपिंग में लगे थे, इधर उधर की कामों में लगे थे, सफाइयों में लगे थे, तो इतना टाइम लगा नहीं कपड़े धोने का। तो सोचा था कि सारे कपड़े चल इकट्ठा ही धो लेंगे, क्योंकि मशीन में ही धोने थे, कौन से हाथों से धोने थे इस वजह से। और मौसम भी इतना चेंज है कि अब हाथों से धो कर कपड़े तो सूखते नहीं हैं, तो मशीन में ही करने पड़ते हैं स्पिन। तो यहाँ पर जो भी फालतू के सामान बिखरे पड़े थे, कपड़े इधर उधर के फैले पड़े थे, वो सभी जोड़ कर हम लोग अलमीरा में रख रहे हैं। पूजा यानी कि हम लोग नहीं, पूजा अलमीरा में रख रही है, और मैं भी इधर उधर के काम कर रही होंगी यहीं पर। तो इस यहाँ तक तो सब ठीक था गाइस। उसके बाद ना मेरा सर इतने ज़्यादा पेन होने लगा, इतनी ज़्यादा दर्द होने लगी, पता नहीं क्यों, मे बी थकावट की वजह से, इतने दिनों से हम लगे पड़े थे। तो उसके बाद जी, पहले तो मैंने सोचा था कि पूजा के साथ मैं हेल्प करवा दूँगी, बट सर की वजह से ना फिर मेरे से कुछ नहीं हुआ, तो पूजा ने ही सारे काम करे। उसके बाद जी, जो कपड़े बिखरे पड़े थे, कुछ कपड़े बेड में रखने थे, कुछ धोने के लिए रखने थे, कुछ हम लोगों ने बांध दिए थे जो नहीं वेयर करने थे, बस ऐसे ही। जो ये लहंगा है अभी हमने रख दिया है, जब जाएंगे धोबी को दे देंगे तो वो ड्राई क्लीन कर देंगे प्रेस वाले भैया। तो बस उसके बाद जी, पीछे मशीन लगा रखी है, तो पूजा यहाँ पर सारे कपड़े जो बिखरे पड़े थे इधर उधर, उनको समेट कर रख रही है। तो आप लोग गाइस कमेंट करके बताओ आपको ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। अब मैं कंटिन्यू ब्लॉगिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती फिर से कहो कि आप कहाँ हो। तो मैंने कोशिश करी है कि मैं ब्लॉग अब कंटिन्यू करूँ। और गाइस ट्रस्ट मी, इतने दिन की भागदौड़ की वजह से हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है ना, इतने ज़्यादा थक गए हैं, मतलब ऐसे लग रहा है पता नहीं क्या कर लिया। तो यहाँ पे बेडशीट वगैरह पूजा ने सही कर दिया है, और डस्टिंग वगैरह सब कर दी है। तो बस ये सुबह का हमारा रूटीन है गाइस, सुबह का रूटीन सेम ही होता है, उठते हैं, चाय में पीते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, लग जाते हैं वही कामों में। बस कहीं अगर आना जाना होता है तो थोड़ा सा हो जाता है। उसके बाद जी, कपड़े भी धुल चुके थे, तो पूजा इनको जाएगी सूखने लगाने के लिए छत पर। तो इसके बाद जी, बेडशीट वगैरह थे वो डालेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने, मतलब कि पूजा ने, सॉरी गाइज, मुझे आदत पड़ी हुई है हम लोग करने की, तो आप लोग प्लीज़ माइंड मत करना। तो उसके बाद जी, पूजा ने जो कपड़े थे वो निकाल दिए थे, स्पिन वगैरह में डालेगी सूखने के लिए, उसके बाद जी छत पर लगा देंगे सूखने के लिए। तो यहाँ पर ना गाइस, आज तो मौसम बहुत अच्छा है, बट कल और परसों मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, इतनी ज़्यादा एकदम से ठंड हो गई है कि आप पूछो ही मत। उसके बाद छत पर आ गए, आप धूप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अच्छी है। तो सभी लोग हम छत पर थे, प्रीत, मम्मी, पूजा, और बस मैं ही नीचे हूँ, क्योंकि मेरे को सर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो कपड़े भी आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा हैं जो धोए हैं। उसके बाद कपड़े सारे धुल चुके थे, और पूजा ने मशीन को वॉश कर अंदर रख दिया है, क्योंकि मशीन हम अंदर ही रखते हैं, धूप में ख़राब हो जाती है बाहर, तो कमरे में जगह है तो वहाँ पर हम कपड़ा वगैरह डालकर इसको रख देते हैं संभाल कर, क्योंकि चीज़ें कौन सी रोज़ बनती हैं, तो इतने प्यार से हम चीज़ें खरीदते हैं, तो साम संभाल रखेंगे तो चीज़ लंबे समय तक चलती है। तो उसके बाद जी, करेंगे झाड़ू पोछा, डेली के काम वही जो होते हैं, मॉर्निंग की रूटीन। तो मम्मी यहाँ पर मेरी छोटी सिस्टर से बात कर रही है, जिसका बेबी हुआ था, आपने देखा ही है ब्लॉग में, तो उसका हालचाल पूछती है, कैसा है कैसा नहीं, आपको पता है छोटे बच्चों के साथ कितना लगाव हो जाता है। तो मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से मम्मी जा नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको चलने में प्रॉब्लम होती है, तो प्रीत ही लेके जाएगा। तो सोच भी रहे हैं मम्मी कि आज मैं जाऊंगी। उसके बाद पूजा ने लगाना स्टार्ट कर दिया झाड़ू। मैं, आप देख सकते हो, सामने बैठे फ़ोन में कुछ चेक कर रही हूँ, देख रही थी, मतलब कि ऐसे ही इधर उधर की वीडियोज़, तो आपको पता ही है कि बंदा बोर हो जाता है बैठे बिठाए, तो बस मैं अपना टाइम पास कर रही थी। तो मैंने पूजा को बोला था कि आज का ब्लॉग सारा तू ही शूट करेगी। उसके बाद जी, किचन में आ गए थे, किचन का जो है आप देख सकते हो सारा काम ऑलमोस्ट खत्म हो ही चुका है, बस अभी लंच की तैयारी करनी है, क्योंकि सुबह सबसे पहले ब्रेकफास्ट का हो जाता है ना, तो सारे काम करने ईजी हो जाते हैं। अगर ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं तो बीच में काम छोड़ कर फिर खाने के लिए बनाना पड़ता है, इसलिए सबसे पहले हम ब्रेकफास्ट का ही कर लेते हैं सारा काम।
तो यहाँ पे मैंने भी पेन किलर गाइस खा लिया था, तो झाड़ू वाड़ू सब लग चुका है और पूजा पोछा लगा रही है वाइपर के साथ। तो बस जी उसके बाद मैं नहाने चली गई थी, मैंने बोला कि चल तू काम कर, मैं फटाफट नहा कर आती हूँ। तो यहाँ पे गाइस मैं नहा कर आ चुकी हूँ एंड थोड़ा सा मुझे बेटर लग रहा है। तो आज मैंने ये थोड़े से मोटे कपड़े वेयर करे हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है, अब कॉटन के कपड़े नहीं वेयर करे जाते। और मम्मी और प्रीत जा रहे हैं थोड़ा सा मार्केट और उसके बाद जाएंगे सिस्टर के घर। आपको मैंने बताया ही था कि उसके बेबी हुआ है ना, तो इस वजह से क्योंकि अकेले मम्मी जा नहीं सकते तो प्रीत स्कूटी से मम्मी को लेकर जाएगा। तो यहाँ पे सारे कमरों में पोछा लग रहा है। तो कैसे लग रहे हैं ब्लॉग गाइस, मुझे आप कमेंट करके बताइएगा क्या बात हुई। आप देखते हो ब्लॉग को और लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, कमेंट नहीं करते, प्लीज़ गाइस शेयर करो, कमेंट करो। अगर पहली बार आते हो तो सब्सक्राइब करो। अगर मैं कुछ गलत करती हूँ तो आप मुझे बताओ, आपकी कोई रिक्वेस्ट है वो भी मुझे आप बताओ, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप सबका रिक्वेस्ट पूरा करूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई थी गेट लगाने के लिए। तो ये दोपहर का टाइम है, लंच हम लोगों ने कर लिया था। सुबह जो कपड़े धोए थे वो सूख चुके थे, धूप अच्छी खासी थी उसकी वजह से कपड़े बिल्कुल अच्छे से सूख गए थे। हमने सोचा जोड़कर इनको साथ के साथ अलमीरा में समेट के रख देते हैं, नहीं तो ऐसे ही बिखरे रहेंगे तो फिर मैस फैल जाएगा, क्योंकि सुबह बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने सारा कपड़ा वगैरह संभाल कर रखा है, अदरवाइज़ नहीं तो फिर से बिखरे जाएंगे सारे कपड़े और प्रीत और मम्मी को भी मुश्किल होगी फिर कपड़े वगैरह ढूंढने में। उसके बाद जी शाम का टाइम है, हम लोग आ गए थे छत में थोड़ा सा टहलने के लिए। और छत पे आए तो मैं देखती हूँ कि जो हम लोगों ने लाइट वाली लड़ियाँ लगाई थी ना वो नीचे गिर चुकी थी। तो मैंने पूजा को बोला जाकर नीचे से टेप उठा कर लाओ क्योंकि इनको लड़ियों को फिर से लगाना था, हम लोगों ने देखा ही नहीं। तो पूजा हंस रही है कि लड़ियाँ लगाई हैं और लड़ियाँ नीचे डिग गई हैं, गिर गई हैं। तो बस वही लड़ियाँ वगैरह हम लोग ठीक कर रहे हैं। मैंने बोला जा तू लेकर आ, मैं इनको सही से लगा देती हूँ क्योंकि अभी शाम होने वाली है तो लाइटें लगाएंगे। तो यहाँ पे लाइटें मैंने लगा दी हैं, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही हैं। ये लाइटें मैंने खुद ही लगाई थी, जुगाड़ कर कर ऐसे जोड़ जाड़ कर बड़ी मुश्किल से लाइटें लगी, कल तो लगी नहीं बट आज लगी हैं। तो ठीक है गाइस, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, अच्छा लगा लाइक करना शेयर करना चाहिए सब।